नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। देश और पूरे राज्यों से और देश से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी निकलकर सामने आ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। तो इस वक्त इन चुनावों के संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं तमकोई विधानसभा 331 जिला कुशीनगर से प्रभुनाथ राय, BJP समर्थक हैं और पदाधिकारी भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या समीकरण है और भारतीय जनता की पार्टी की जीत में आखिर कौन कौन से मंदन हैं, कौन कौन से रोड़े हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी या इस बार कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और कौन से ऐसे रोड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए आज हम इस साक्षात्कार को करते हैं। नमस्कार आपको। इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जी। इसको लेकर कई तरह की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बार राह मुश्किल है, 2017 जैसी राह नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं इस बार BJP के पास जिसके जरिए वह सरकार बना सकती है? देखिए, BJP हर एक पहलू पर काम अच्छा की है, इसलिए उनको सब लोग समर्थन दे रहे हैं। जिधर जाइए आप BJP के समर्थक, केवल मोदी जी योगी जी का काम पर। पहला तो हम लोग का पूर्वांचल का जो काम पूछ रहे हैं, तो पूर्वांचल का तो इतना बड़ा काम दे दिया है कि जी अगर पूर्वांचल के लोग उनको जिंदगी भर वोट दें तो भी उनके लिए भी जाए। कौन से वो है काम? पहला काम आप देखिए, वहाँ एम्स बनवा दिए गोरखपुर। अच्छा, दूसरा काम देखिए, एयरपोर्ट बनवा दिए कसया में। अभी तो कह रहे हैं कि यह तो अभी घोषणाएं हैं, नहीं चालू है, चालू हो गई एयरपोर्ट। तीसरा काम आपको बता रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर हमारे गोरखपुर का बंद था, आपका यूरिया गुजरात से आ रही है, रेट बढ़ा दिए गए हैं नहीं किसान, जहाँ तक अभी किसान आंदोलन में भी ये बातें सामने आई। नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए, जो हमको 450 में यूरिया मिलता था आज 290 में मिला है। अच्छा, जो गोरखपुर फर्टिलाइजर मेरा बंद था, योगी जी इसको चालू करवाए जी। तो एक मुद्दा यह सामने आता है कि यह सरकार बोलती थी कि हम गुंडागर्दी ख़त्म कर देंगे जी, लेकिन जब NCRB की रिपोर्ट सामने आती है तो यह देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश तो गुंडागर्दी और क्राइम में ऊंचाई पर जा रहा है। तो यह कहीं ना कहीं बाधा बनेगा जीत में? देखिए, इतना बड़ा, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक परिवार चलाने के लिए अगर दो बेटे होते उनको खुश नहीं रखा जाता है। तो इतना बड़ा जनसंख्या को लेकर के कोई कोई नाराजगी तो रहेगा, जिसका जो जो इस क्राइम में लिप्त रहते हैं उनके लिए तो बाधा ही है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिनको इससे मतलब नहीं है, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब पार्टी से ही ऐसे लोग निकल कर सामने आए, चाहे वह कुलदीप सेंगर हो या फिर टेनी हो, उन्हीं के द्वारा ऐसी घटनाएं घटित हो जाएं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। देखिए, कह तो रहे कि इतने बड़ा राज्य है, कोई ना कोई इसमें कमी, जब एक परिवार का अंदर कमी होता है तो बड़ा राज्य है। तो यही समस्या है तो पिछली सरकारों के साथ भी थी इतने बड़े राज्य को लेकर? नहीं, इतना बड़ा बताइए कितना गुंडे ही था पिछले राज्य में। आज योगी जी, मोदी जी, जो एक एक जन को आज 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है, हर एक किसान को मिल रहा है, उसमें तो किसी का एक आदमी को तो मिल रहा है, ये तो नहीं कि BJP को मिल रहा है, हर एक पार्टी को मिल रहा है, जो गरीब है, अमीर है, जिसके नाम से खेत है उनको मिल रहा है। आज मोदी जी आपको श्रम कार्ड एक बनवाए हैं, जिससे 1,000 रुपया जो पहले बनवा लिए उनके 1,000 रुपया खाते में आ गया, चाहे औरत हो चाहे लड़की हो, जो भी हो। लेकिन गुंडागर्दी को लेकर तो मुद्दा बना रहेगा, खैर। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या मायावती BJP के साथ आ गई हैं? देखिए, BJP अपने कार्य में खुद सक्षम है, उनका सरकार पूर्ण बहुमत से बन रहा है। अब आएगी नहीं आएगी उसका बात नहीं, जितने भी शीर्ष नेता हैं इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर निशाना लगाया जा रहा है, जयंत चौधरी को भी निशाने पर ले रहे हैं, जितने भी दल हैं जी, लेकिन मायावती पर कोई तीर नहीं चल रहा। इसलिए कि उनका जनाधार इस समय कम है, तीर चलाने की जरूरत क्या है, मरे हुए को मारना है। मतलब जाटव वोट, SC ST वोट, बहुजन वोट जिसको कहा जाता है, भाजपा के साथ है।
देखिए भाजपा का साथ सब नहीं, भाजपा के साथ बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी सबसे बड़ा एक चीज है कि बीजेपी के लिए हर एक वर्ग का वोट उसके पास है। और मुस्लिम समुदाय के बारे में क्या कहेंगे, आ रहा है वोट? हाँ बिल्कुल, औरतों का तो एकदम जाएगा बीजेपी को। ये हिजाब मामला विरोध नहीं पैदा करेगा? नहीं, उससे उन लोग का मतलब नहीं है। तीन तलाक जो मोदी जी खत्म कराए हैं उसकी वजह से बहुत खुश है। देख कर्नाटक में तो भारी विवाद है, बजरंग दल ने अभी बीते दिन तोड़फोड़ करी। देखिए तो क्या लगता है इससे मुस्लिम वोट कटने की उम्मीदें? हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम लोग छोटा आदमी हैं, ज्यादा देश भर का हाल मोदी जी जानते हैं। हम लोग तो केवल एक कार्यकर्ता है। अरे कार्यकर्ता को तो सब पता होता है, जमीनी स्तर की जानकारी तो कार्यकर्ता ही पहुंचाते हैं। देखिए हम लोग अपने विधानसभा का हाल जानते हैं। मेरे विधानसभा में अच्छा कार्य हुआ है, सबसे बड़ा पुल बांचल का कार्य अच्छा हुआ है, मैं इसलिए हम उनके आभारी हैं। अभी एक जो नैरेटिव सामने आ रहा था वो बहुत ही पेचीदा है, ठाकुर और ब्राह्मण का जो एक ईस्ट यूपी में आप टकराव देखेंगे और फिर उसके बाद कुछ एनकाउंटर होना जिसमें ब्राह्मण समाज का एनकाउंटर हुआ, जैसे विकास दुबे को एक हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं खफा है बीजेपी से और ये वोट कांग्रेस की तरफ जाने की उम्मीद की जा रही है। नहीं जो देखिए को आप तो रहे कि माने 100% किसी पर आप वो नहीं लगा सकते। दो 4% लोग है, अपना भाई सगे भाई होता है, वो भाई को नहीं होता है, जात के बात कहाँ से आ जाता है। लेकिन ईस्ट यूपी में तो ये बिल्कुल चर्चाओं में है बात की ठाकुर ब्राह्मण विरोध बढ़कर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं बढ़ेगा, दोस्ती है, बिल्कुल दोस्ती है। अच्छा आखिर जाएंगे कहाँ? तो सोच रहे होंगे ब्राह्मण समुदाय के लोग के केशव प्रसाद मौर्य हैं और भी नेता हैं, दिनेश शर्मा हो गए, उन्हें मुख्यमंत्री बना देते योगी जी को क्यों? नहीं योगी जी एकदम बताइए, वो उससे बढ़िया कौन मिलेगा जिसको दुनिया से जरूरत नहीं? तो केशव प्रसाद मौर्य को मिल जाती जिम्मेदारी, अच्छा, तो वो भी कुछ ना कुछ तो करते ही। देखिए जो भी हम लोग बंधे हैं परिवार से, हम लोग का मोह माया है अपने परिवार से, अपने हित नाथ से, लेकिन योगी जी को किसी का नहीं। जब 2017 के चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं था और यही देखा जा रहा था कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ही टॉप पर हैं, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ को उतार देना। वो नहीं थी टॉप पर, थे मनोज सिन्हा। अच्छा मनोज सिन्हा हर्षवर्धन का नाम भी था फिर तो, हर्षवर्धन का भी नाम था, मनोज सिन्हा जी का नाम था, उनको बनना था, फिर पार्टी का काम है, फिर पार्टी का काम है। सही कहा, ऊंचे लोग हैं हम लोग, हम तो एक कार्यकर्ता हैं। तो मतलब आपको ठाकुर ब्राह्मण से कोई विरोध नहीं है? नहीं, योग चेहरे पर ही है मामला, चेहरे पर है। देखिए मेरा अपना स्कूल है, आप कोई जात का कोई धर्म का हो, आप हमारे दुश्मन हो, लेकिन अगर आपका कार्य आपका विचार सही है तो आपका हम निंदा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मामला सबसे जो ज़्यादा अहम है आम जनता के लिए, वह रोज़गार का मामला जी। तो रोज़गार को लेकर एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, चाहे फिर पेपर्स का लीक हो जाना हो, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर में हो, बेरोज़गारी की दर कहीं ना कहीं बढ़ी है डेटा के अनुसार, तो इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बताइए बेरोज़गारी क्या अभी पुलिस का भर्ती हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 2019 में बताएं पुलिस का भर्ती हुआ, आप देखे होंगे जैसे पेपर्स का लीक हो जाना, ये समस्या है, कह रहे हैं कि एज निकल जाती है फिर उनको। देखिए जब पहले से सब लिप्त उसमें है तो एक गार्जियन अगर योगी जी खुद सही है क्या कर सकते हैं? आप सही नहीं हुईगा तो उनको सही करने से कब तक सही करेंगे एक एक आदमी को? तो लगता है कि अभी जो आने वाले 5 साल होंगे यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो फिर इन समस्याओं का निवारण हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 5 साल में बहुत कर दिए, 5 साल हो जाएगा तो पूरा बहुत, फिर पिछली सरकारों को दोष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस 5 साल के बाद। एक फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है इन चुनावों में, मुझे लगता है 2024 में भी ये फैक्टर चलेगा, किसान आंदोलन। उसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने काफ़ी निंदा की, खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा, लेकिन अंत में मोदी जी आते हैं और उस 3 बिलों को जिनको किसान काला कानून कह रहे थे उन्हें वापस ले लेते हैं। लेकिन राकेश टिकैत कहीं ना कहीं एक विरोधी बन चुके हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव को प्रभावित करने पहुंचे, अभी पश्चिम में भी काफ़ी प्रभाव डाला है। अच्छा, तो ये फैक्टर कितना आपको लगता है कि बीजेपी की राह में रोड़ा बनेगा? राकेश टिकैत जी पिछला बार चुनाव लड़े थे, आपको पता है हारे थे, कितने वोट पाए थे? हार गए थे, जमानत जब्त हुई थी,
तो फिर अबे बड़ा चिल्लाने से सब देखें, कुछ लोग ले करके हम आकर के चिल्ला दें आपके सामने। सबसे बड़ा चीज़ है किसी का संधान है तो उसको बैठ कर हम करेंगे, ना कि हम रास्ता जाम करके करें। तो फिर पश्चिम बंगाल चुनाव में आपको क्या लगता है बीजेपी के हार के क्या कारण रहे? कहाँ हार है पश्चिम बंगाल, कैसे हार कैसे रहे पश्चिम बंगाल की सरकार तो ममता बनर्जी की आई। तो तीन सीट इसके पिछले में कितनी सीट था? नहीं, हाँ हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ममता बनर्जी टीएमसी की सीटें हैं जी, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस के खाते वाली सीटें बीजेपी के पास आई, तो जीतने में आखिर कौन सी कमियां रहेंगी? क्या राकेश टिकैत फैक्टर बन गया, किसान आंदोलन फैक्टर बन गया? देखिए, जहां 3 से 76 पहुंच गया, अब क्या बोलते हैं इसको, आप एक बाइक उठा करके आप 10 से जहाज पर चढ़ गए, ये कम है का? नहीं, तो जीत की उम्मीदें लगाई जा रही थी, लगा था हम तो जीतेंगे। वो तो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 7 से 6 सीट 5 सीट दिखा रहा है, मायावती कितना दिखा रहा है। मायावती जी भी बोल रही है कि मेरा सरकार बनेगा, प्रियंका जी भी बोल रही है मेरा सरकार बन रहा है, अखिलेश जी भी बोल रहे हैं, सब लोग तो बोल ही रहे हैं। अच्छा, मतलब एक बताइए कि कौन बोल रहा है कि मेरा सरकार नहीं बन रहा है? अखिलेश जी तो बोलते हैं बीजेपी को मैंने साफ कर दिया, लेकिन देखेंगे जो 10 तारीख को कितने साफ किए। बिल्कुल बिल्कुल, तो टिकैत कोई फैक्टर नहीं है आपको लगता है? तो जाट वोट आ रहा है बीजेपी को, देखिएगा 10 तारीख को खुलेगा तो देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है आपसे, जो कि बहुत चर्चाओं में रहता है, आम जनता इस पर निगाहें रखती है, असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात होती है आप लोगों की? आते हैं आपके क्षेत्र में, कहते हैं बी टीम है तो कुछ ना कुछ तो बातें चलती हैं। वो अपना काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता तो आते होंगे, जब कहा जा रहा है बी टीम है मुलाकात। अभी तो पूर्वांचल में हमारे यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं। तो मतलब बी टीम कहा जाए कि ना कहा जाए, कहने से क्या फायदा? मतलब फायदा दिलाती है नहीं दिलाती? हम लोग देखिए, सबसे चीज़ है एक बात आपको, मैं अपना सोच बता रहा हूँ, हम विरोधी का कभी नामे नहीं लेते। ऐसा तो नहीं है ओवैसी के बयान ही आप लोगों को एक कर रहे हैं? वो तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ओवैसी अपना जो उनका भाषा है वो अपना भाषा बोलते हैं, तो उसी वजह से एक हो गया लगता है हिंदू वोट। ये का सवाल ही नहीं है। हाँ, इससे पहले तो बहुत अलग अलग था हिंदू वोट, यादव वोट कहीं जा रहा है, बहुजन वोट कहीं जा रहा है, लेकिन 2017 में यूपी में देखा गया कि यादव वोट हो चाहे बहुजन वोट हो सारा बीजेपी में आया, तो ओवैसी के भाषण बन गए लगता है। ओवैसी से नहीं है। हाँ, ये जो योगी जी आज राशन एक नमक तक ले, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बार राशन मिलता है एक व्यक्ति को, आपको नमक मिलता है, चना मिलता है, रिफाइन मिल देता है, फ्री देता है। अच्छा, आज इस समय में अगर जैसा 2 साल से बारिश हुआ, राशन खेत में अन्न नहीं हुआ, अगर ये राशन पानी नहीं मिलता लोग खाने बगैर मरते। तो मतलब 2017 से पहले तो योगी नहीं थे, मतलब मुख्यमंत्री नहीं थे, अचानक कैसे मूड बन गया कि योगी ही आना चाहिए, 2014 में मोदी ही आना चाहिए, मतलब एक एक दिशा में ले आना एक वोट को, क्या कारण है सर कि एक ही लाइन में सारा वोट आ गया? ये इतना बड़ा सोच हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग छोटा करते हैं, केवल अपने कार्य में इथी रहते हैं, हमारा कार्य अपना निभाते हैं, हम लोग ज़्यादा ऊंचे लोग के काम है। चलिए, सब पता तो जमीनी कार्यकर्ता को ही सारा होता है, जितना मोदी जी को नहीं पता उतना तो जमीनी कार्यकर्ता को पता है। ठीक है, हम लोग अपना धर्म निभाते हैं। बिल्कुल, बीजेपी के हैं, बीजेपी के समर्थन हैं, जो कोई हमसे तर्क करता है उसका हम उत्तर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वोटर हो, बिल्कुल जो भी वोटर मिलेगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी है, मैं उसका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पक्ष रखते हैं और क्या सोच है, क्यों वोट दिया जाए, प्रदेश या देश में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर क्या क्या निवारण किए जा रहे हैं, ये सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ जानकारी छुपाते भी हैं। लगता है कि पार्टी की तरफ से कोई ना कोई मनाही रहती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ खुलकर बात करी यहाँ पर प्रभुनाथ राय जी ने, इनके जो जवाब रहे इस संबंध में, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट सेक्शन में आएँ और राय दें, और कार्यक्रम को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।